For a year, Kia Motors have come to Indian automobile market with this product, the Seltos. And within a year, they have sold more than 1 lakh units, out of which 97% are this. So in this video, I'm gonna review the best value for money variant of this car, that is the HTX variant. And by the way, this is the automatic transmission. So let's get going right away. So before starting this video, do subscribe to our channel and press the notification button to get the latest updates from us. तो चाबी से अगर हम शुरुआत करें तो आपको इधर चार बटन मिल जाते हैं. पहला वाला है लॉक का बटन, फिर अनलॉक का बटन, फिर ये है रिमोट स्टार्ट करने का बटन. अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है. और आपको ये बूट खोलने का बटन इधर मिलता है. तो आपको इधर सामने मिल जाता है इधर क्राउन जुवेल एलईडी हेडलाइट्स, उसके नीचे एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे आपको इधर मिल जाता है आइस क्यूब फॉग लाइट्स, और इधर आपको किया मोटर्स का सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिल जाता है विद दिस सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर्ड क्रोम फिनिश. और इसका एलईडी डीआरएल जो है, जो कि रात को पार्किंग लाइट के हिसाब से काम करता है, वो ऑल द वे इधर एक्सटेंड करता है ग्रिल के सेंटर तक. उसके बाद अगर हम साइड से देखें तो आपको इधर मिल जाते हैं, थोड़ा गंदा है अभी कार, 215/60R17 प्रोफाइल और साइज का व्हील्स. ये मेटालिक एलॉय व्हील्स जिसको किया मोटर्स बोलते हैं. इधर IVT की बैजिंग मिल जाती है. ORMM पे टर्न इंडिकेटर्स इधर आपको मिल जाता है. और ड्राइवर साइड में आपको इधर पैसिव एंट्री मिल जाती है. अगर पूरा साइड से लुक दूं तो कार कुछ ऐसा लुक्स में आती है साइड से. आपको ये वाला एक्सेसरी में मिलेगा ये दोनों. उसके बाद ये क्रोम भी आपके एसेसरी है, ये क्रोम एसेसरी है, ये क्रोम एसेसरी है. मतलब कार में ऐसा कुछ कुछ क्रोम है जो कि एसेसरी में आता है. इधर आपको और ये रियर लुक में आपको इधर ऐसे दिखता है कार, जहाँ पे आपको हार्ट बीट LED टेल लाइट्स मिल जाता है. और आपको यहाँ पे फेक मफलर मिल जाता है, फेक एग्जॉस्ट टाइप डिजाइन मिलता है आपको इधर. ये क्रोम भी एसेसरी में आता है, ये वाला क्रोम, ये क्रोम भी एसेसरी में आता है. ये जो नीचे बूट गेट का क्रोम लगा है. उसके बाद अगर साइड से लुक दूं तो कुछ कार ऐसा नजर लुक्स में आता है. रियर व्हील भी आपको सेम साइज और प्रोफाइल का मिलेगा, बट इधर रियर डिस्क भी आता है आपको इस गाड़ी में मिल जाता है. रियर डिस्क ऑल फोर व्हील्स में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है. तो अभी अगर हम बूट देखें
सॉरी, थोड़ा सा बूट में भी अभी सब रैपर्स है, बट बूट आपको इधर 433 लीटर्स का मिल जाता है। और ये जो मैट है ये एक्सेसरी पैक में आता है, बूट के बूट में कुछ ऐसा दिखता है ये। और अगर इसको लिफ्ट करें तो आपको नीचे इधर स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो अभी अगर रियर सीट में हम देखें तो आपको रियर सीट में स्पेस डिसेंट मिल जाता है, और इधर आपको ऐसा विंडो कर्टेन्स मिल जाते हैं जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। इधर आपको इधर सेल्टोस की स्कप प्लेट मिल जाते हैं। इसमें अगर अंदर बैठें तो ये आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, और मेरा हाइट 6 फीट है, और आप पीछे भी देख सकते हैं। अब मैं अगर बैठूं तो बहुत ही बढ़िया लेग रूम है। उसके बाद इधर आपको एयर प्यूरिफायर का डिस्प्ले मिल जाता है, और इधर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और नीचे एक फास्ट चार्जिंग यूएसबी सॉकेट भी आपको इधर मिलता है। और इधर अगर हम गेट पे देखें तो आपको इधर आर्किमिस स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, और इधर आपको वाटर बॉटल होल्डर विद सम स्पेस मिल जाता है इधर डोर पॉकेट्स पे। तो अभी अगर हम आगे चलें तो इधर आपको मिल जाता है ORVM के कंट्रोल्स अलोंग विथ लॉक अनलॉक स्विच एंड विंडो के कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। इधर आपको ऐसा स्कप प्लेट मिलता है, और ड्राइवर सीट इज एडजस्टेबल इन 6 वेज। आपको इधर लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है ये HTX वेरिएंट पे, अगर फोकस करूँ तो। और इधर आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, क्लस्टर का इल्यूमिनेशन कंट्रोल अलोंग विथ हेडलाइट कंट्रोल्स, हेडलाइट का ऊपर नीचे का कंट्रोल अलोंग विथ इट। इधर आपको मिल जाता है हेडलाइट कंट्रोल्स जो कि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के साथ आता है, और दूसरे तरफ आपको इधर मिल जाता है वाइपर कंट्रोल्स। और स्टीयरिंग व्हील भी इसका एक बहुत ही बढ़िया लुकिंग स्टीयरिंग व्हील है, जहाँ पे आपको नीचे मिलता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग मिल जाती है। और इधर आपको ये मिल जाता है, इधर मीडिया कंट्रोल्स मिल जाता है, और इधर क्रूज कंट्रोल, और सामने की 3 इंच MID का कंट्रोल आपको इधर मिलता है। तो अभी अगर गाड़ी को ऑन करूं तो इधर लिखता है सिस्टम चेक, एसी को ऑफ कर देता हूं। इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है अलोंग विथ इंजन टेम्परेचर मीटर, और इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है अलोंग विथ फ्यूल गॉच। उसके बाद आपको ये सेंटर में मिलता है कंपास, और ये बटन से अगर मैं टॉगल करूं, फोकस नहीं कर रहे हैं, ये बटन से अगर मैं अभी टॉगल करूं तो इधर आपको मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो, और नीचे आपको इधर टेम्परेचर बता रहा है, और इधर ओडोमीटर है, और ये है आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी मीटर, और नीचे इधर टेल्टेड लाइट्स प्लेस्ड है। उसके बाद इधर आपको इन्फो मिल जाता है जो कि आपको इधर बताता है कितना घंटा गाड़ी चली है, माइलेज कितना दे रहा है, गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुका है। उसके बाद इधर फ्यूल इकोनॉमी बताता है, स्पीड डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है आपको इधर, और ऐसा इधर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको। उसके बाद अगर हम सेंटर कंसोल में देखें तो आपको इधर एसी कंट्रोल्स मिल जाता है जो कि इधर काम करता है, ऑटोमेटिक एसी, सिंगल जोन एसी आपको इधर मिल जाता है, ऑटो एसी। उसके बाद आपको इधर IVT ट्रांसमिशन का इधर आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है, और ये 3 आपको डमी बटन मिल जाता है जिसमें आपको इधर पार्किंग सेंसर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, और आगे दोनों सीट के लिए वेंटिलेटेड फंक्शन मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट्स में। इधर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड तो नहीं मिलता है, बट एक तो अच्छा स्पेस इधर आपको मिल जाता है। उसके बाद इधर एक फास्ट चार्जिंग USB सॉकेट मिलता है आपको, ये वाला USB चार्जर आपको इधर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए मिलता है, और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको इधर मिलता है।
उसके बाद अगर हम स्क्रीन में देखें तो ये स्क्रीन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देख सकते हैं इधर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और इधर आपको ब्लूटूथ बैजिंग मिल जाती है, और मैं जैसे बोला इसमें आपको बोस के स्पीकर्स नहीं मिलते, इसमें आपको मिलते हैं नॉर्मल आर्केमीज के स्पीकर जो कि 6 स्पीकर यूनिट है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको बोस के 8 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलेंगे। और इधर अगर हम ग्लो बॉक्स में देखें तो आपको इधर ऑनर्स मैनुअल मिल जाता है जो कि भी एक प्रीमियम पैकेजिंग में आता है। और सामने भी वैसा ही मतलब स्पेस है इधर नीचे अगर आप देखें तो। गेट का भी थर्ड सॉलिड है जो कि बहुत ही अच्छा है सेफ्टी के लिहाज से। और इधर अगर आप देखें तो आपको इधर मिल जाते हैं ये इल्यूमिनेशन कंट्रोल, जैसे मैं अभी इधर अगर कमाऊंगा तो इल्यूमिनेशन इधर कम रहा है देख सकते हैं आप, और बढ़ाऊंगा तो इधर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। और इधर आपको एयरकॉन वेंट्स मिल जाते हैं गाड़ी के। इधर आपको ऐसे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इधर 2 कप होल्डर्स। आपको इधर फिजिकल पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, फिजिकल पार्किंग हैंड ब्रेक। और इधर आपको स्पेस मिल जाता है, और ये एयर प्यूरिफायर का इधर आपको सिस्टम इनबिल्ट मिलता है ये पार्ट में। और इधर आपको ऐसे बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है। और सीट्स जो हैं ये गाड़ी के, इधर आपको बहुत सपोर्टिव सीट्स मिलते हैं, लेदर अपॉल्स्टी है ये, आपको ये सीट्स बहुत ही सपोर्टिव लगेंगे। अगर मैं इधर देखूं तो आपको इधर अगर दिखाऊं तो आपको इधर टोल रिसिप्ट होल्डर्स मिल जाते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये पार्ट में ड्राइवर साइड। इधर वैनिटी मीटर आपको इधर नहीं मिलते, और अगर मैं इधर दिखाऊं तो इधर आपको एक बड़ा सा वैनिटी मीटर मिल जाता है। उसके बाद इधर आपको ये लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ पे चारों लाइट ऑन हो जाता है। उसके बाद इधर आपको ये गेट के साथ ऑपरेट करने वाला लाइट मिलता है, जैसे मैं गेट खोलूं तो ये सब लाइट ऑन हो जाते हैं इधर। और आपको उसके साथ साथ इधर आपको एक सनरूफ मिल जाता है जो कि साइज में उतना बड़ा नहीं है बट डिसेंट साइज का है, और ये 2020 सेल्टॉस में आपको ये सनरूफ मिलता है। अगर मैं सनरूफ ये ओपन करने का स्विच अगर मैं ओपन करूं और आपको दिखाऊं तो, और एक प्रेस में ये पूरा फुल ओपन होता है, और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा, बड़ा तो नहीं कहूंगा बट ये डिसेंट है साइज में, जो वेंटिलेशन अच्छा करता है केबिन के अंदर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाइट आ रहा है अभी केबिन के अंदर। क्लोज कर देते हैं। और आपको इधर डोर हैंडल पे भी ये अच्छा फिनिश मिल जाता है, सिल्वर फिनिश जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स में भी आता है। अभी अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो आपको इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 115 bhp और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं आपको इंजन खोल के दिखाऊं तो इंजन यहां से आप खोल सकते हैं, आपको कुछ ऐसा इंजन इधर देखने के लिए मिलता है। इधर आपको बहुत स्पेस मिल जाता है, जैसे इधर आपको बड़ा इंजन भी इधर आप बड़ा इंजन भी इधर फिट हो सकता है, बहुत स्पेस इधर आपको मिल जाता है, एम्प्टी स्पेस जैसे आप देख सकते हैं, और ऐसा कुछ इंजन दिखता है। तो ये था कुछ सेल्टॉस 2020 HTX IVT वेरिएंट का ओवरव्यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। If you love this video, do give it a like button, do share it among your friends and relatives, and also do not forget to visit our website carandbikeinfo.com, whose link I'll be putting in the description box below. And also you can consult us before your next car or bike purchase by just simply filling a form for free, whose link also I'll be giving in the description box below. And you can contact us at carandbikeinfo@gmail.com. So thank you for watching this video once again. Bye-bye.